हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से एक बहुत ही अच्छे रिक्रूटमेंट के लिए नोटिफिकेशन निकल के आया है, जिसमें बीबीटेक एमईएमटेक वाले अप्लाई कर सकते हैं। परमानेंट जॉब है, इसमें आपको सैलरी 50,000 प्लस अलाउंसेस पर मंथ मिल जाएगी। ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैं इस वीडियो में डिटेल्स नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन सी पोस्ट निकल के आया है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्या रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसीड्योर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्योर क्या होने वाली है। तो हर एक चीज एक एक करके डिटेल्स में डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए। तो नेक्स्ट चलते ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तरफ से आया है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, ये बेसिकली एक्सपीरियंस वालों के लिए। अगर आप लोग फ्रेशर्स कैंडिडेट हो तो आप लोग वीडियो को यहीं पे छोड़ सकते हो, और वीडियो को छोड़ने से पहले आप लोग वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर देना। तो बात कर लेते हैं डिटेल्स पोस्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट है सीनियर इंजीनियर के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग एरोस्पेस या तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग या तो मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक या तो 2 साल का एमईएमटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स तक रखा गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी 10 है। इसमें आपको सैलरी 50,000 से लेके 1,60,000 पर मंथ मिल जाएगी और उसके साथ आपको अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है डिप्टी मैनेजर पोस्ट के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग एरोस्पेस या तो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक या तो 2 साल का एमईएमटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें एज लिमिट 36 ईयर्स तक रखा गया है। नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है। इसमें आपको सैलरी 60,000 से लेके 1,80,000 पर मंथ मिल जाएगी और उसके साथ आपको अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग सीनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में अगर आप लोग बीबीटेक करके रखे हो तो उन लोगों के लिए मिनिमम 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। बट अगर आप लोग एमईएमटेक करके रखे हो तो उस केस में मिनिमम 2 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आप लोग डिप्टी मैनेजर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो उस केस में अगर आप लोग बीबीटेक करके रखे हो तो उस केस में मिनिमम 8 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। बट अगर आप लोग एमईएमटेक करके रखे हो तो उस केस में मिनिमम 6 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। हर एक पोस्ट के लिए एक्सपीरियंस का डिटेल्स यहीं पे मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग आपके हिसाब से उसका डिटेल्स चेक कर लेना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में। तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपके क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद होगा आपका रिटेन टेस्ट, और अगर आप रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। और रिटेन टेस्ट के लिए आपका एग्जामिनेशन सेंटर बेंगलोर पे रखा गया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी 750 रुपीज रखा गया है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए। और एप्लीकेशन फी आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पेमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें आपका जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया पे रहेगी। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसीड्योर के बारे में। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर यहीं पे ऑफलाइन रखा गया है। इसका एक ऑफिशियल फॉर्म है जिसको आपको अच्छे से फिलअप करना है, और फिलअप करने के बाद उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, जैसे कि आपका क्लास 10th का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट से उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके साथ आपका जो टोटल एडुकेशनल क्वालिफिकेशन से उसका मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके अलावा अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए डिसेबल्ड सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए इनकम सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके साथ आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और उसके साथ आपका जो एसबीआई का फी पेमेंट रिसिप्ट है उसका कॉपी। ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवेलप बनानी पड़ेगी, और उस एनवेलप के ऊपर आपको मेंशन करना होगा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। ये मेंशन करने के बाद आपको उस एनवेलप को इसका जो ऑफिशियल एड्रेस है उसी एड्रेस पे 8 दिसंबर 2021 से पहले स्पीड पोस्ट या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू पे सेंड करना होगा। उसके अलावा अगर आपका कुछ डाउट्स है तो क्वेश्चंस है तो आप लोग इसी फोन नंबर या तो ईमेल आईडी पे कॉन्टेक्ट करके आपका डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये है इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए डिटेल्स नोटिफिकेशन। बात कर लेते हैं नेक्स्ट पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट है सीनियर इंजीनियर के लिए, जिसमें एडुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से 4 साल का बीबीटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है।
इसमें आपका जॉब लोकेशन बेंगलोर पे रहेगी। सैलरी आपको 50,000 से लेके 1,60,000 पर मंथ मिल जाएगी और उसके साथ आपको मिनिमम 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। नेक्स्ट है सीनियर इंजीनियर साउथ ईस्टर्न रीजन के लिए, जिसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में अगर आप लोग एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक करके रखे हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 1 निकल के आया है। इसमें आपका जॉब लोकेशन बेंगलोर पे रहेगी। इसमें आपको सैलरी 50,000 से लेके 1,60,000 पर मंथ मिल जाएगी और उसके साथ आपका मिनिमम 4 साल का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस मांगा गया है। मैक्सिमम एज लिमिट 32 ईयर्स तक रखा गया है। उसके अलावा हर एक पोस्ट के लिए अगर आप लोग SC ST OBC कैंडिडेट हो तो उन लोगों के लिए एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। जैसे SC ST कैंडिडेट के लिए 5 साल का, OBC कैंडिडेट के लिए 3 साल का और PWD कैंडिडेट के लिए 10 ईयर्स के एज रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, जॉब डिस्क्रिप्शन और पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस का डिटेल्स यहीं पे मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग आपके हिसाब से उसका डिटेल्स चेक कर लेना। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपके पास रिसर्च या तो टीचिंग एक्सपीरियंस है तो उसको एज ए एक्सपीरियंस कंसीडर नहीं किया जाएगा। अगर आपके पास कोई भी इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो ही आप लोग इस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्योर के बारे में। तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्योर में आपका क्वालिफिकेशन और आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और अगर आप लोग इसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आपका फर्स्ट होगा रिटेन टेस्ट और अगर आप लोग रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद होगा आपका पर्सनल इंटरव्यू। रिटेन टेस्ट का डिटेल्स आपको ईमेल आईडी पे सेंड कर दिया जाएगा और अगर आप लोग पर्सनल इंटरव्यू में क्वालिफाई कर जाते हो तो उसके बाद आपका सिलेक्शन यहीं पे हो जाएगी और आपको बेसिक पे के साथ साथ अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका डिटेल्स यहीं पे मेंशन किया हुआ है, तो आप लोग आपके हिसाब से उसका डिटेल्स चेक कर लेना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फी के बारे में। तो फ्रेंड्स, जनरल EWS और OBC कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फी 750 रुपीज रखा गया है। उसके अलावा SC ST OBC कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं रखा गया है, कम्प्लीटली फ्री है उन लोगों के लिए और एप्लीकेशन फी आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से पेमेंट कर सकते हो। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन प्रोसीड्योर के बारे में। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन प्रोसीड्योर यहीं पे ऑफलाइन रखा गया है। इसका एक ऑफिशियल फॉर्म है जिसको आपको अच्छे से फिलअप करना है और फिलअप करने के बाद उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, जैसे कि आपका क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट और मार्कशीट्स है उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके अलावा आपका BE BTECH का हर एक सेमेस्टर का मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके अलावा अगर आप लोग डिप्लोमा किए हो तो डिप्लोमा का हर एक सेमेस्टर का मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके साथ अगर आप लोग SC ST OBC कैंडिडेट हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, PWD कैंडिडेट के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी और EWS कैंडिडेट के लिए इनकम सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके साथ आपका जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके अलावा आपका जो पोस्ट क्वालिफिकेशन इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है उसका एक राइट अप, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके आपको एक एनवेलप बनानी पड़ेगी और जिसके ऊपर आपको मेंशन करना होगा कि एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। वो मेंशन करने के बाद इसका जो ऑफिशियल एड्रेस है उसी एड्रेस पे 7 December 2021 से पहले स्पीड पोस्ट या तो स्टार्ट पोस्ट के थ्रू पे सेंड करना होगा। उसके अलावा अगर आपका कुछ डाउट्स है तो क्वेश्चंस है तो आप लोग इसी मेल आईडी या तो फोन नंबर पे कांटेक्ट करके आपका डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन। इसके बाद मैं आप लोगों को दिखा देता हूं इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स, अप्लाई करने के लिए आपको इसी वेबसाइट पे आना होगा। आने के बाद आप लोग फर्स्ट सीरियल नंबर 1 और सीरियल नंबर 2 दोनों में से आप लोग जिस भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसके एप्लीकेशन फॉर्मेट यहीं पे दिया हुआ है, आपको उस एप्लीकेशन फॉर्मेट को यहीं पर डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ उस डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको अटैच करके एनवेलप बना के इसका जो ऑफिशियल एड्रेस है उसी एड्रेस पे आपको सेंड करना होगा। तो फ्रेंड्स, ये है इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन और वीडियो का डिटेल्स। मैं इस नोटिफिकेशन का लिंक और एप्लीकेशन फॉर्मेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और अगर आपका कुछ डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको आने वाले सारी अपडेट मिल सके। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि एग्जाम रिलेटेड हर एक अपडेट आपको वहाँ पर मिल जाएगी। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।